I1R. I hope you will get it. एक और रूप लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा. अप्लाइंग के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप ए बी ई एफ ए, ये रूप ले लेंगे ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए. तो देखो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, ए बी कोई एलिमेंट नहीं, ना कोई सेल है, ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं. देखो बी से ई की तरफ एक रेजिस्टेंस आता है, करंट कितना आई वन प्लस आई टू, रेजिस्टेंस कितना आर टू, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. लेकिन हम किधर जा रहे हैं, बी से ई की तरफ, करंट भी कैसे जा रहा है, बी से ई की तरफ, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा दोनों का, पॉजिटिव. I1 plus I2 multiply by R2 plus E से F की तरफ, E से F की तरफ, यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई सेल, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं. F से A की तरफ, F से A की तरफ, तो F से A की तरफ में एक रेजिस्टेंस आता है R1, इसमें करंट कितना I1 फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसे, वो भी F से A की तरफ है, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव प्लस I1 R1. उसके बाद एक सेल आता है जिसकी EMF कितनी है E1, लेकिन यहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर फर्स्ट. हम F से A की तरफ आ रहे हैं और जिस रास्ते से हम आ रहे हैं उसमें नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, तो हमने साइन कन्वेंशन में लिखा है कि नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आता है तो उस सेल की ईएमएफ को हम कैसा लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे. तो ई वन कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा. और इसको एनालाइज करते हैं, आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू प्लस आई वन आर वन इज इक्वल टू ई. कोई भी क्लोज लूप ले सकते हो, इसमें एक और क्लोज लूप ले सकते हैं हम, पी सी डी ई बी, इस तरह से. इसमें आप खुद लगा करके देखेंगे वीडियो को पॉज करके, बी सी डी ई बी. यहां पे देखो बी से सी की तरफ अप्लाई के वी एल इन क्लोज लूप बी सी बी सी डी ई पी. बी से सी की तरफ जाएं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं. सी से बी की तरफ जाएं तो सबसे पहले एक सेल आता है जिसकी ईएमएफ ई टू है, लेकिन सबसे पहले रास्ते में पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो इसकी ईएमएफ हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस आती है, लेकिन करंट उसमें डी से सी की तरफ, हम किधर जा रहे हैं, सी से डी की तरफ, तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके साथ कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. कैसे साइन आएगा, नेगेटिव. तो दिस इज माइनस आई टू आर थ्री, आई टू आर थ्री पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, सी से डी की तरफ जा रहे हैं, करंट कैसे, डी से सी की तरफ, डी से ई की तरफ, डी से ई की तरफ देखें हम करंट I2, लेकिन इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई सेल है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं. ई से और बी की तरफ आते हैं
तो यहां पे एक रेजिस्टेंस आता है R2 जिसमें करंट कितना I1 plus I2 फ्लो कर रहा है, लेकिन हम E से B की तरफ आ रहे हैं, करंट कैसे जा रहा है B से E की तरफ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, नेगेटिव है। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस I1 plus I2 into R2, और ये कितना आना चाहिए जी, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो दिस इज किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स लूप लॉ। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑलवेज क्लोज सर्किट में लगता है, किर्चॉफ्स करंट लॉ ओपन सर्किट में लगता है। किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ सेकंड लॉ जो होता है, किर्चॉफ के वी एल वोल्टेज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ किसको में करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं किसी लूप के अक्रॉस, वो सारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप में खर्च हो जाता है, तो टोटल एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ और किर्चॉफ सेकंड लॉ किसको भी करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जाम में पूछा जाता है, और किर्चॉफ फर्स्ट लॉ और के सी एल करंट लॉ, फर्स्ट लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको भी करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किर्चॉफ सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी करता है, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी करता है, बिकॉज सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। Thank you.